How are you? I hope you all are fit and fine and stay home, stay safe. Fine. So, beta, आज today topic is again pencil shading. बेटा अभी 2 or 3 weeks आपको pencil shading ही, उसी में आपको और techniques बताई जाएंगी कि किस तरह से हम और उसके अंदर different techniques को और use कर सकते हैं. So today the page number 28. The homework is to be the page number 28. Let's the start the work. अब देखिए जहाँ डार्क स्ट्रोक्स है मैं वहां पे कैसे दे रही हूँ, लाइक दिस. ठीक है बेटा, उसके बाद आप स्लांट पेंसिल करके फेस के अंदर शेडिंग जो बेस दिख रहा है आपको, आप उसको फिल करेंगे. फाइन, सेम एज हेयर इन द फ्लावर, फर्स्ट यू गिव द स्ट्रोक्स, देन यू गिव देम, फिर आप स्लांट करके पेंसिल को अगेन शेडिंग देंगे. फाइन बेटा, सेम लाइक दिस इन दिस पैटर्न. फर्स्ट यू हैव टू गिव देम स्ट्रोक्स लाइक दिस, कर्व में देंगे बेटा स्ट्रोक्स जो देंगे, लाइक जैसे आपके फ्लावर की शेप है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पेंसिल को मूव करेंगे. देन स्लाइटली, बहुत लाइटली आपने इसमें शेडिंग आपने करनी है लाइक दिस. एंड अगर आपको हैंड से नहीं करनी इसको फिल, तो आप यू कैन यूज कॉटन लाइक दिस. अब आप इसका जो आउटर है उसको डार्क करेंगे. लाइक दिस. फाइन बेटा. ओके, सेम एज इन लीव्स, फर्स्ट यू गिव देम अ लाइन, सेंटर लाइन गिव देम लाइन्स ऑफ दिस एंड देन शेडिंग. अगेन आउटर पार्ट को डार्क करेंगे. अब इसमें आपने यहाँ पे शेडिंग ज़्यादा देनी है पेंसिल को स्लांट करके लाइक दिस एंड सेम एज हियर, और फिर आपने इसके बीच में डार्क पेंसिल से स्ट्रोक्स देने. यहाँ पे आपने बहुत लाइट पेंसिल यूज करनी लाइक दिस. फाइन बेटा, सो दिस इज योर टॉपिक. आपको साइड में दी हुई है लाइट टोन, मिडिल टोन एंड डार्क टोन, तो आपको अपनी सिर्फ पेंसिल की जो भी 2B, HB, 2B, 4B एंड 6B पेंसिल्स हैं आपने उनका यूज़ करके इस फ्लावर को कंप्लीट करना है. सो टुडे होमवर्क इज पेज नंबर 28 ऑफ योर बुक. सो नेक्स्ट वीक आपने क्या प्रिपेयर करना है बेटा, आपने क्या लेना है, एक ब्लैक इंक आती है एंड राउंड ब्रश 0, 1, 2 जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और एक ब्लैक इंक आती है जो आप नॉर्मली अपने पेंस में यूज़ करते हैं, वो इंक आपने लेनी है, और फिर हम आपका पेज नंबर 29 फॉर द नेक्स्ट वीक. ओके, बाय, गुड.